गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्यामल पॉल। तो आज की जो हमारी जर्नी है वो स्टार्ट तो 9 बजे होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं। बाइक का यहाँ पे ले में थोड़ा इश्यू हो गया। जो हमें बाइक ऑलरेडी दी गई थी वो वापस ले ली, क्योंकि इनके वेंडर का कुछ प्रॉब्लम है, तिलोपिया और वेंडर का। और अभी दूसरी बाइक आने का वेट कर रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। तो आज का जो डेस्टिनेशन है वो है कारगिल जाने हमें। और कारगिल यहाँ से मतलब 230 किलोमीटर के आसपास है। ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो गूगल मैप पे तो 4.5 घंटे दिखाए थे, लेकिन गाइड के अकॉर्डिंग 6 घंटे लग जाएंगे। मतलब रास्ते ठीक ठाक ही होंगे, इतने ख़राब नहीं होंगे। तो ये सफ़र, अभी थोड़ी देर में बाइक आएगी, वेट कर रहे हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। आज की जर्नी भी हमेशा की तरह होटल से निकले। अभी हम पेट्रोल पम्प जाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। फाइनली पहुँच गए हम इस पेट्रोल पम्प पे। इस पेट्रोल पम्प पे ना हम तीसरी बार आ रहे हैं लेके। दिस इज़ द थर्ड टाइम एंड लास्ट टाइम। पेट्रोल डलवा लिए, ऑल ओके, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है गाइड की तरफ से और अब हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर। तो कार भी 302 किलोमीटर दिखा रहे तो, लेकिन हमें जहाँ तक जाना है वो 230 किलोमीटर ही है। एज पर गाइड रास्ता तो बहुत अच्छा है, मतलब 100 किलोमीटर के आसपास का शायद सीधा रास्ता है कह रहे हैं। देखते हैं कितना सच और कितना झूठ है। ट्रिप एंड होने का आया है, बस 2 दिन की और जर्नी भी रिमेनिंग है इस पूरे एंटायर ट्रिप की। मतलब आज की जर्नी है हमारी कारगिल तक और कल है हमारी कारगिल से श्रीनगर तक, उसके बाद ये ट्रिप ख़त्म। हाईवे देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ना। अगर हाईवे अगर पूरा अगर आज ऐसी रहा तो बाइक चलाने का क्या ही फील हो। इतने दिन है ना डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ रह गए, कुछ साउथ इंडियन थे, कुछ मराठी थे, उन सब की हिंदी है ना थोड़ी डिफरेंट होती है। उनके साथ रहते के ऐसा लग रहा है मेरी खुद की भी हिंदी है ना बिगड़ी है। उनके साथ वो जिस तरीके से हिंदी बोल रहे थे ना उसी टोन में हम भी बोलने लग गए। ऑक्सीजन की जो कमी होती है हमें लेह लद्दाख वगैरह सीजन में, तो मैं
को एक चीज़ लगी कि यार लेह लद्दाख में हाइट की वजह से ऑक्सीजन की कमी है या यहाँ पे दूर दूर तक खाली बंजर ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं नहीं, इसलिए ऑक्सीजन की कमी है। दोनों रीज़न है या दोनों में से कोई एक रीज़न है ये नहीं पता, लेकिन मेरे को बहुत बड़ा रीज़न ये लगता है कि ये जो यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है ना, इसके वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस तो होता नहीं होगा, क्योंकि दूर दूर तक आप देखोगे तो खाली बंजर ज़मीन ही है और कुछ तो है नहीं। यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों बताई, ये कौन सी जगह जो यहाँ पे भीड़ है? कोई तो जगह है यहाँ पे जो यहाँ पे भीड़ है, ये गाड़ी वाला आ कहाँ से रहे और करना क्या चाहता है इसे? देख रहे हो हल्की हल्की बूंदी स्टार्ट हो गई है, उसे तेज ना तो परेशानियाँ बढ़ जाएगी। ये ले से जो श्रीनगर वाला रास्ता है ना कारगिल होते हुए, ये पूरा वो है मतलब नेशनल हाईवे है, मोस्टली हाईवे यहाँ पे बी आर ओ के, बट ये वाला हाईवे नेशनल हाईवे, दिस इज द नेशनल हाईवे 1। आज निकलने में काफ़ी लेट हो गया यार, बाइक वगैरह के चक्कर में 1 बज गए थे जब हम पेट्रोल पंप पे थे, और रास्ता लंबा है, और अगर थिनले भाई साहब के हिसाब से 6 घंटे का रास्ता हुआ तो हम जब तक पहुँचेंगे तब तक अंधेरा हो चुका होगा। अंधेरा कायम रहे, ये वो सीरियल का डायलॉग है ना, कौन सा सीरियल था, शक्तिमान में किलवेश बोलता था अंधेरा कायम रहे। ले में वैसे तो बंजर जगह है, लेकिन जहाँ पे थोड़े बहुत आबादी होती है ना वहाँ की ग्रीनरी बड़ी प्यारी लगती है, देख रहे हो पूरी ग्रीनरी कितनी प्यारी लग रही है। अब ये कुत्तों को देख के डर लगने लग गया मुझे, पता नहीं कौन बीच में आ जाए। यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है पूरे देश की सेना यहीं पे है, जितनी भी आर्मी है वो सारी यहीं पे है। और जब मैं अभी इससे पहले राजस्थान गया था वहाँ पे जैसलमेर में, वहाँ पे तो बहुत बड़ा कैंप था, यहाँ पे अलग अलग बटालियन के साथ है ना अलग अलग। बारिश के बूंदे पड़ने लगी, हल्की हल्की तेज हो रही है, क्या करें क्या करें क्या करें। गोप्रो में ना अब पानी लगने वाला है, थोड़ी सी बारिश और तेज हुई तो गोप्रो बंद करके